सो फ्रेंड, आज हम जानेंगे फ्लिपकार्ट से आप पुराना मोबाइल फोन को देखकर आप नया मोबाइल फोन को कैसे बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड, देखिए आपके पास एक पुराना मोबाइल फोन है तो आप फ्लिपकार्ट को दे सकते हो, आप दूसरा एक नया मोबाइल फोन ले सकते हो, यानी कि आप अपना मोबाइल फोन को एक्सचेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड, समझो कि आप अपना पुराना मोबाइल फोन को देकर अपने 20-25 हज़ार वाला एक मोबाइल लेना चाहते हो, बट आपके पास तो भी पैसा नहीं, यानी कि आपका पुराना मोबाइल फोन का जो भी कीमत होगा वो तो आपको दिया जाएगा, बट समझो कि 5,000-7,000-10,000 कम भी हो रहा है, तो गाइस वो जो अमाउंट है आप ईएमआई पे भी कर सकते हो, यानी कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे करना है। सो फिर बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैंने एक फोन ऑर्डर किया, इस प्रकार से आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप भी इस प्रकार से कैसे कर सकते हो। फर्स्ट वाले कि आपको करना क्या होगा, आपको करना है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, फर्स्ट उन्हें लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने जस्ट एक ऑर्डर किया अपना मोबाइल फ़ोन। देखिए, जैसे कि अकाउंट पे चला आऊँगा, अकाउंट पे आने के बाद किसी मैंने ऑर्डर पे क्लिक करके आपको लाइव प्रूफ दिखा दोगे। जैसे कि ऑर्डर पे चला आया हो, आप देख सकते हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन है बाइक है, देख सकते हैं अपना जो मोबाइल फ़ोन है। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन में एक्सचेंज किया हो, देख सकते हो आप, ये जो मोबाइल फ़ोन है मैंने ऑर्डर किया हो, और मुझे टोटल पेमेंट कितना करना है, 12,232 रुपये मुझे पे करना है। देखिए इनके जो प्राइस है, मोबाइल फ़ोन का क्या प्राइस है, देख सकते हो आप, 21,999 रुपीज़। ओके, तो गाइस मैंने अपना जो पुराना मोबाइल फ़ोन है इसको एक्सचेंज किया हो, देख सकते 9,400 रुपीज़ अपने पुराना मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है ये दिया गया है। बट मैं आपको बताऊँगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए आप लाइव प्रूफ देखिए, सिम यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ओप्पो F21 Pro देख सकते हो, यहाँ पे ये मोबाइल एक्सचेंज में किया हो। ओके, आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया हो। चलिए आप कैसे कर सकते हो ये काम। फर्स्ट वाले कि आपको करना है कि सिंपल आप अपना कोई भी एक मोबाइल फ़ोन आप अपने बाय कर रहे हो तो मोबाइल के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। चलिए एग्जाम्पल के मैं वही मोबाइल फ़ोन को दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी जो मोबाइल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन्फिनिक्स जो मोबाइल है इसी के ऊपर क्लिक कर दिया हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो मैंने जो मोबाइल है इसका कीमत देख सकते हो, 21,999 रुपीज़। ओके, आप देख सकते हो। बट आप भी कैसे एक्सचेंज करोगे, इसी में देख सकते हो, अब लिखा है एक्सचेंज, देख सकते हो बाय विद एक्सचेंज, एक्सचेंज का ऑफर देख सकते हो। आपने जो मोबाइल है देख सकते हो 9,400 रुपीज़ अभी दिया जा रहा है, देख सकते हो एक्सचेंज में। तो गाइस आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन हो तो आप अपना मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज कर सकते हो। देखिए, आपके पास दूसरा कोई मोबाइल है तो भाई विदाउट एक्सचेंज भी कर सकते हो। विदाउट एक्सचेंज पे करने से क्या होगा, आपको पूरा फुल पेमेंट करना है। ओके, जैसे एक्सचेंज करना है आप भी इसमें देखिए फ़ोन का डिटेल सबको देना है। देखिए, आपका जो भी मोबाइल फ़ोन रहेगा, ओप्पो वीवो, आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि ओप्पो का है तो ओप्पो को सिलेक्ट कीजिए, वीवो का है तो वीवो का सिलेक्ट कीजिए। आपका मोबाइल फ़ोन का जो भी मॉडल रहेगा आप इस प्रकार से आप मॉडल दे दीजिएगा। ओके, जैसे जैसे एफ सीरीज है, F21 Pro जैसे कि दे दोगे, वैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल फोन में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, स्क्रीन में क्रैश नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल फोन यानी कि बैंड भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से देखिए। ओके, अब इस समय देखिए पे आपका सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है, पे काफ़ी सारी चीज़ आपको अभी बताया गया, देख अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ आपका मोबाइल फोन नहीं डैमेज होना चाहिए, ओके, सब कुछ अच्छे से काम करना चाहिए। तो ऊपर वाले पे क्लिक कर दूंगा, अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देखिए 6,300 रुपये जो प्राइस है पे दिया जा रहा है, अभी सिविल कन्फर्म एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म एक्सचेंज पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से देखिए पे आपका पे प्राइस पता चलेगा, देखिए। ओके, जैसे कि प्राइस पता चलेगा, अब भी आपको करना है कि इसमें बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने बाय नाउ पे क्लिक करोगे, मोबाइल फ़ोन के ऊपर फुल डिटेल्स अब देख लीजिएगा। देखने के बाद जैसे कि आपने बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिए आप स्किप कर सकते हो, प्रोटेक्शन वगैरह कुछ है सब नहीं लेना चाहता, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो एड्रेस है, देखिए आपका एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी एड्रेस रहेगा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या, उस समय पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अभी देखिए आपको बताना है तो आप यहीं से ईएमआई कर सकते हो। देखिए सिम देखिए यूपीआई, देखिए क्रेडिट कार्ड हो गया, ईएमआई, जैसे कि मैं ईएमआई पे क्लिक करूँगा तो कैसे सिम देख सकते, मैं कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कर सकता हूँ, या तो एचडीएफसी बैंक से भी मैं ईएमआई कर सकता हूँ। जैसे कि एचडीएफसी पे क्लिक करूँगा, देखिए सी प्लान पे क्लिक करूँगा, अभी आपके पे प्लान बताया जाएगा, देख सकते हो आप, 2,652 रुपीज़ आपको पे करना है 6 मंथ के लिए, नो कॉस्ट ईएमआई, आपसे एक रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई। जैसे इस पर क्लिक करोगे,
जो उस प्लान पे क्लिक करोगे आपका कार्ड नंबर दे देना है। जैसे कि आप कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर को दे दोगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। जैसे कि आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कि ओटीपी दोगे उसके उसमें पे का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपने पे करोगे तो वैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। यानी कि देखिए आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई कर सकते हो। ओके देखिए मैं पे एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट कार्ड, काफ़ी सारा ऑप्शन देख सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम के थ्रू पे कर सकते हो। ईएमआई जो रहेगा ना आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आपको ईएमआई करना है। ओके अदरवाइज जितना भी ऑप्शन रहेगा तो अब भी आपको तुरंत पे करना है। आपने ईएमआई पे लेना चाहे तो आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। देखिए ईएमआई पे क्लिक करोगे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड रहेगा, आप देखिए जितने भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो आपके पास सारा सारा बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसी में से कोई भी एक बैंक सिलेक्ट करो, वो बैंक की क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से आप बाय कर सकते हो। आपको मंथली पे करना है, इजी है, मंथली पे कर दोगे तो कैसे में देखिए पे ई एम आई पे क्लिक, एच डी एफ सी बैंक पे क्लिक कर दोगे, ई एम आई डिटेल्स वगैरह देख लोगे। जैसे कि मैं पेमेंट कर दोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन बुक हो जाएगा। देखिए बुक किया हुआ मोबाइल आप कहाँ पता चलेगा आपको, एकदम होम स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा मोबाइल फ़ोन की। देखिए होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद देखिए इसमें अकाउंट के ऑप्शन है, अकाउंट के ऑप्शन पर जैसे कि आप चला आओगे माई, देखिए ऑर्डर पर क्लिक करोगे। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो अभी मोबाइल ऑर्डर किया आपका ऑर्डर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए अपना जो पुराना मोबाइल फ़ोन है मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया हो, एक्सचेंज करके मैं नया एक मोबाइल फ़ोन को बाय किया हो। देखिए यहाँ पे ये जो मोबाइल है देख सकते 25 यहाँ पे अप्रैल को मुझे डिलीवरी होगा। पूरा फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो पे ओपन डिलीवरी है। देखिए इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। तो आप भी इस प्रकार से अपना पुराना मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज करके आप नया मोबाइल फ़ोन को ले सकते हो। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो आप ले सकते हो ईजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी ब्रांड की मोबाइल पसंद है तो कोई भी एक ब्रांड की मोबाइल फ़ोन आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप इस प्रकार से ईएमआई कर दीजिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो पूरा फुल पेमेंट भी कर सकते हो। बट आपका जो पुराना मोबाइल फ़ोन है, आपका पुराना मोबाइल फ़ोन का जो भी अमाउंट होगा आपको एक्सचेंज में ऑफर में बताया जाएगा। ओके देख सकते हो उस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अपना पुराना मोबाइल फ़ोन को सेल कर कर आप नया एक मोबाइल फ़ोन को ले सकते हो। सो बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चले आज के लिए इतना ही, फिर मैं तेरे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।